नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आप सभी के सहयोग से करते आए हैं आज इस प्रयास में स्वास्थ्य पर्यावरण। अमित शुक्ला जी हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, पूरी टीम हमारे साथ है जो कि मौखिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर आज अवेयरनेस कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त है मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर आर के पांडे जी। आपके दिशा निर्देश में इसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं इस ईदगाह की मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये पहल की कि हम यहाँ पर उनके मैदान में एक इतना बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम करें और वो वृक्षारोपण के उपरांत उन सभी वृक्षों की सुरक्षा और उनकी सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद पूरे कुटुंब की टीम का, धन्यवाद हमारे साथियों का जो इस वक्त यहाँ पर है। शागन सर व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अनिमेश अग्रवाल जी इस वक्त यहाँ पर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे सदस्यों की प्रेरणा से आज यहाँ पर चिड़ियों के दाने पानी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है जो कि अनवरत चलती रहेगी। ऐसी एक शुरुआत आज कुटुंब कर रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ममता जायसवाल जी, गीता गुप्ता जी, रेणु जायसवाल जी, रश्मि शुक्ला जी, रंजना गुलाटी जी, कनक बागची जी, मीनू पांडे जी, विभव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मेहताब आलम है, हमारे अनुशासन और शिक्षा इकाई प्रमुख सलमान अहमद जी हैं, डॉक्टर एस के पांडे, डॉक्टर सचिन प्रकाश जी जो कि हमारे स्वास्थ्य इकाई प्रमुख हैं, अमरेश जायसवाल जी। तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, यह पूरे परिवार कुटुंब परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन। डॉक्टर राजे कुमार सर का कुटुंब की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते रहिए, अभिनंदन है सर। अभिनंदन है और आज हम लोग धन्यवाद भूमिका निभानी पड़ती है तो मैं तो कुटुंब परिवार का अवसर दिया, हार्दिक अभिनंदन। कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी और अन्य संबंधित सभी कुटुंब वेलफेयर के अंतर्गत समस्त एसोसिएशंस की प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, मीडिया के बंधु। ये जो ईदगाह मैदान में ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का ये अप्रैल महीने से वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इस स्थल का आवश्यकता और यहाँ का स्थितियों को देखते हुए कुल 110 पेड़ लगाने के लिए योजना हम लोगों ने अप्रूव किया था। आज शुरुआत हो गया है। पूर्ण रूप से इस स्थल का उपयोगिता को बनाते हुए आपकी मनपसंद मानक पूर्ण न करने वाली जो लिस्ट है उसे बाहर आ रहा है। यहाँ पर इतने पिछले कई वर्षों से जो प्लांटेशन का अभियान चले हैं हर विभाग जंगलों में आज किसी का कार्य किया जाए कहीं आग न लगने पावे और हमारा ये जो सीजन चल रहा है फायर सीजन आज से दिनों तक चल रहा है। इतने ज़्यादा अग्निकांड होते हैं खेतों में भी होते हैं, जंगलों में होते हैं, घरों में होते हैं, मकानों में होते हैं, तो उसको हम उससे आप लोगों को बताएंगे। जो शहर में आग लगती है ज़्यादातर उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर की आग या लापरवाही की आग लगती है। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की आग जो लगती है लगभग 80% मकानों में, अस्पतालों में, व्यवसायिक भवनों में और अन्य जगहों पर लगती है। उसका कारण ये होता है कि वायरिंग मकान पहले जो बना है उसमें वायरिंग 20 साल पहले की हुई है, आज उस पर ज़्यादा लोड दिया जा रहा है, एयर कंडीशन का लोड दिया जा रहा है, वॉशिंग मशीन का दिया जा रहा है, गीजर का दिया जा रहा है, ओवन का दिया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ज़्यादा लोड बढ़ गया है और तार हमारे पहले जो हैं उनकी क्षमता कम है, तो उसके लोड बढ़ने से हमारी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो उसे बचने के लिए हमें अपने तरीका असली तरीका यह है पेड़ लगाना। पानी डालते रहिए भैया,
पानी डालते रहिए भैया। हेलो, मैम थोड़ा आप उधर हो जाइए या तो आ जाइए। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, बस फोटो शेयर भी कर। ऑक्सीजन टेम्परेचर और ऑक्सीजन टेम्परेचर और पदार्थ की जरूरत पड़ती है, तो इसमें जो है टेम्परेचर भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, पदार्थ जो है हमारा गैस है, गैस ज्वलनशील है। अब इसको हम कैसे बुझाते हैं, तो इसको बुझाने के तरीके हैं। मान लीजिए आपके घर में आग लग गई, इसको हम बुझाने का डेमो आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, इसको जो है हाथ से बुझा दिया गया, ये हाथ से बुझा दिया गया, क्योंकि जो इसका नोजल होता है, नोजल से थोड़ी गैप होती है, वहाँ आग गैपिंग है, एक डेढ़ इंच की गैपिंग है, उसके बाद आग जलती है। तो इसको उंगली से भी बुझाया जा सकता है। उंगली कर लीजिए, देखिए जो है इसमें कुछ नहीं, देखे किनारे किनारे से उंगली ले जाइए, वॉल के पास लगा के थोड़ा बुझा दीजिए, बंद कर दीजिए, रेगुलेटर ऑफ कर दीजिए। ये आग जो है बुझ गई, निकल जाती है। अगर आग लग गई तो पाइप जल के गिर जाती है, ऐसे सिलेंडर आपका रहता है, ऐसे जलेगी या तो ऊपर से जलेगी। तो आपके पास अगर बाल्टी है तो आप लोग बताए, आप देखिए बुझा रहे हैं।